हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिव्यू कॉर्नर बाय परवीन। और आज आपके लिए मैं लेकर के आई हूँ मीशो के ग्रीन कलर के सिल्क की साड़ियाँ हैं। इसके पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था मीशो का सिल्क का ही दो साड़ी और एक बांधनी वाली घरचोला की साड़ी, उसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो अभी मैं आपके लिए एक और वीडियो मीशो का ही लेकर के आई हूँ। ये भी मीशो की ही साड़ियाँ हैं, ग्रीन कलर की ही हैं, सिल्क की हैं, क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है इस समय। अभी क्या है कि ग्रीन सावन है, तो सावन में भी ज़्यादातर लोग ग्रीन पहनना पसंद करते हैं। फिर तीज है, तो तीज में भी लोग ग्रीन ही पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि ट्रेडिशनली जो कलर होता है वो ग्रीन ही होता है इन फेस्टिवल्स के लिए। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ग्रीन कलर की साड़ियाँ शेयर करूँ। तो इसमें मैं जो सिल्क वाला पैटर्न है, जो सिल्क वाली फैब्रिक है, वो इन है फैशन में, तो मैंने वही पैटर्न और वही फैब्रिक आपके लिए चूज़ किया हुआ है। तो पहली साड़ी है ये ग्रीन कलर की है, डार्क ग्रीन है और गोल्डन कलर से इस पर वर्क हुआ है बॉर्डर पे। पूरी साड़ी प्लेन है और इसके आंचल में ऐसे गोल्डन कलर की वीविंग हुई है। ये इसका पल्लू है। और सेम डिजाइन में ये जो बॉर्डर आपको दिख रहा है ब्रॉड वाली, ये आपको नीचे की तरफ मिल जाता है। ये नीचे का बॉर्डर है जो स्कर्ट पैनल पे आपको आएगा, नीचे की तरफ वीविंग वाली, गोल्डन वीविंग वाली बॉर्डर है। और ऊपर की तरफ आपको इस तरह की पतली बॉर्डर मिल जाती है, जो टकिंग का एरिया है, इस तरह का पतला बॉर्डर है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ की चौड़ी वाली बॉर्डर है। और पूरी साड़ी ये डार्क ग्रीन कलर की, इस तरह से डार्क ग्रीन कलर की है, हल्की ट्रांसपेरेंट है। ये आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा। साड़ी का कलर बहुत प्यारा है, डार्क ग्रीन है और गोल्डन के साथ ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। डार्क ग्रीन और गोल्डन का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा है, तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। अफोर्डेबल है, बहुत ही इसका प्राइस रीजनेबल है। ये मुझे मिला है 485 रुपीज़ का, तो इतने कम प्राइस में इस तरह की साड़ियाँ शायद नहीं मिल पाती हैं। ये मीशो पे मुझे दिखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका इमेज मैं लगा दूंगी साथ में, आप उसे एक बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। क्वालिटी वाइज 50-50 है, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत अफोर्डेबल रेंज में है, तो आप बहुत ही हाई क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 50-50 की क्वालिटी है इतने कम रेंज में। अगर आप इतने कम रेंज में लेना चाहते हैं, आप ज़्यादा नहीं पहनती हैं साड़ियाँ, एक या दो बार पहनती हैं, तो फिर ठीक है, वर्थ बाइंग है। 500 में आपको वर्थ बाइंग है ये साड़ी, पहनने पर बहुत प्यारी लगेगी ये। आप अगर कम रेंज में कुछ लेना चाहते हैं तो आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हैं। पहली साड़ी जो मैंने आपको दिखाई वो थी ग्रीन और गोल्डन कलर की सिल्क में, और दूसरी साड़ी जो है मेरे पास वो भी ग्रीन कलर की है और गोल्डन उस पर वर्क हुआ है, वो भी बहुत प्यारी है। ये भी मीशो की ही है, ये इसका आंचल का पार्ट है ना, खूबसूरत, बहुत प्यारी है ये। और फेस्टिव सीज़न के लिए तो परफेक्ट है, क्योंकि इस समय सावन और तीज है, तो उसके लिए तो बिल्कुल ही परफेक्ट है। इसका सेंटर का पार्ट है ये, पल्लू से ही शुरू करते हैं क्योंकि पल्लू बहुत प्यारी है इसकी। ये ऑर्गेन्जा इसकी फैब्रिक है, पल्लू जैसे कि बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है, बहुत ब्रॉड नहीं है, इस वजह से अच्छा लुक आता है इसका, क्योंकि सीक्वेंस वर्क है। अगर बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता तो बहुत ज़्यादा फिर येलो येलो सीक्वेंस जैसा लगता, तो फिर नहीं अच्छा लगता, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये इसका पल्लू का पार्ट है, सीक्वेंस एंड जरी वर्क हुआ है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, ये सीक्वेंस है सेंटर पे और साइड साइड में उसके जरी थ्रेड से। और यहाँ पे देखो लेस भी लगी हुई है, पतली सी लेस है, सर्किल सर्किल वाली, छोटे छोटे बूटे जैसे इसमें कटवर्क बने हुए हैं लेस में। ये लेस आपको चारों तरफ मिल जाती है। उसके बाद जो ये साड़ी है उसमें ये वाली जो लेस है,
ये दोनों साइड में आपको मिल जाती है ऊपर और नीचे। और ये जो पूरा जो इसका बेस है साड़ी का, इसके ऊपर ये छोटे छोटे सिल्वर सिल्वर आपको डॉट डॉट मिल जाते हैं। मैंने इसे निकालने की कोशिश की, जैसे देखने से ये लग रहा होगा कि ये निकल सकता है वॉश करने के बाद, तो ऐसा नहीं है, ये निकलेगा नहीं, क्योंकि मैंने ऐसे नेल से इसे निकालने की कोशिश की है कि ये कहीं निकलता तो नहीं है, बट ये नहीं निकल रहा है। इसकी प्राइस है 1068 रुपीज़, और क्वालिटी वाइज अच्छी है, लुक वाइज भी बहुत प्यारी है, तो वर्थ बाइंग है। अगर आप साड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं बट हैवी नहीं, तो ये उनके लिए तो परफेक्ट है। बिल्कुल ही हैवी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट है, एकदम कॉटन की तरह लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट। इस पर वर्क देखने में बिल्कुल लग रहा है कि भरा भरा सा वर्क है, तो हैवी होगा, बट ये हैवी नहीं है, बहुत लाइट है। तो आपको एक ही दाम में हैवी साड़ी भी मिल रही है और लाइट वेट साड़ी भी मिल रही है, आप दोनों साड़ियों का जो है आनंद एक ही साड़ी में ले सकते हैं। लाइट वेट पहनने में, कैरी करने में इजी, और लुक वाइज रिच एंड क्लासी भी लग रहा है, और हैवी भी इसका लुक आ रहा है। ब्राइडल जो बहुएं हैं वो भी पहनेंगी तो बहुत प्यारी लगेगी ये साड़ी। ऑल ओवर ऐसी है ये, लाइट वेट में। और इसका जो ब्लाउज है ये भी ग्रीन में ही दिया हुआ है। ब्लाउज पे भी सेम ये आपको बॉर्डर मिल जाता है, जो कि आप स्लीव्स पे लगवा सकते हैं। 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज है, और बेंगलोरी सिल्क वाली जो फैब्रिक आती है वही फैब्रिक है, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बेकार भी नहीं है, ठीक ठाक इसकी ब्लाउज की फैब्रिक है। आप चाहें तो पहले से आपके पास कोई स्टिच ब्लाउज है ग्रीन कलर की, या फिर इसके साथ आप कोई और कलर का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ग्रीन है तो पिंक या रेड मजेंटा, या फिर ग्रीन के साथ ग्रीन भी अच्छी लगेगी। ये साड़ी बहुत प्यारी है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई दे सकते हैं। इसका कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका भी कोड, और जो इसके पहले मैंने साड़ी आपको दिखाई उसका भी कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत प्यारी साड़ी है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, आप इसे ज़रूर से परचेज कर सकते हैं। तो ये था साड़ी का, आज मेरे पास दो ही साड़ियाँ थी जिन्हें मैंने आपको दिखा दिया है, जिनका रिव्यू मैंने ऑनेस्टली आपको बता दिया है। आपको जो भी पसंद आता है आप उसे परचेज कर सकते हैं, और अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगता है आपके परचेज में, और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, फैमिली के साथ शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।